وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

आज की हमारी ये जो मजलिस है दो रोज़ा दावत सलफ़ कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशस्त है इफ्तिताही इजलास है इस मजलिस में लंबी गुफ्तु का इम्कान नहीं है लेकिन मुख्तर से वक्त में हर मुक्र को और शरीक इजलास को अपनी बात रखने का मौक़ा दिया गया है चूँकि मेरी शिरकत सिर्फ़ आज इसी इजलास में हो पा रही है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अफ्ताही किस्म की गुफ्तु करने के बजाय एक अहम ान से मुतक़ ही कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रा और ख़ातन के सामने रख दूँ आपके सामने गुफ्तु के लिए जिस जिसवान का इंतखब मैंने किया वो वोान है ग़लत फहमियों का इजाला ग़लत फहमी किसे कहते हैं लफ्ज़ खुद बताता है कि आप मेरे बारे में ऐसी कोई बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लें जो मेरी हकीकत से मेल न खाती हो तो मैं ये कहूँगा कि आपको मेरे बारे में ग़लत फ़हमी है हो सकता है मैं बुरा हूँ आप मुझे बहुत अच्छा समझते हो ये आपकी ग़लत फ़हमी है हो सकता है मैं अच्छा हूँ लेकिन आपने किसी वजह से मुझे गलत समझ लिया है हालाँकि मैं बुरा नहीं हूँ इसी को हम सादा अल्फाज में ग़लत फ़हमी कहते हैं इंसानी ज़िंदगी में ग़लत फ़हमियों का वजूद बहुत पुराना है मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ असबाब से जिस तरह अफराद के बारे में ग़लत फ़हमी होती है ऐसे ही अदियान के बारे में जमातों के बारे में शख्सियात के बारे में और कई मरतबा हमारी और आपकी जो दावत जो पैगाम होता है उस पैगाम के बारे में ग़लत फ़हमियों का पैदा होना इस समाज का हिस्सा है आदमी आदमी से बदगुमान हो जाता है लोग एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं तो ऐसा ही एक मामला दीन इस्लाम की पूरी तारीख़ में बल्कि अम्बी आल मातम की तारीख में आपको देखने को मिलेगा कि अम्बिया के बारे में भी लोगों के अंदर ग़लत फहमियाँ पाई गईं या फैलाई गईं या पैदा की गई आज मुझे आप हज़रा और ख़्वीन के सामने गलत फ़हमियों के हवाले से जो बात रखनी है वो ये कि हमने दावत के हवाले से बात की और दावत में कुरान मजीद में हम और आपको इस बात का हुक्म दिया गया है कि सबी रबिल हसन वजा दिल हम बिली यान दावत के दो बुनियादी उसूब और तीसरा एक काम जो बवक् ज़रूरत किया जाए इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है आप अगर इसकी तफसीर में जाकर देखें तो बात जो हम और आपको अल्लाह ताला ने करने को कही है उनमें से एक बात ये भी है कि इस्लाम के बारे में मुसलमानों के बारे में या फिर इस्लामी तलीमत के बारे में अल्लाह के बारे में या अल्लाह के किसी भी हुक्म के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में या नबी नबीत वसलाम की किसी तालीम किसी हदीस के बारे में किसी भी इंसान के दिल व दिमाग में कोई बात ग़लत अंदाज़ से बैठ गई है तो उस आदमी की उस गलत का ग़लत फ़हमी का इजाला किया जाए

उसमें ये बात ज़रूरी होती है कि दावत के काम में हम और आप इस बात पे तोज्जो दें कि इस्लाम के बारे में मुसलमानों के बारे में इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख के बारे में या मुसलमानों के मकासद क्या हैं और इनकी दावत का जो पैगाम है इस पैगाम का मकसद क्या है इन तमाम हवालों से आप यकीन करें गैरों के दिमाग में इस कदर ज़्यादा ग़लत फहमियाँ पाई जाती हैं कि हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसीलिए बात ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यह हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पर मेहनत करें कि अपनी अपनी जगह इन ग़लत फ़हमियों के इज़ाले के लिए हम जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें आप ये बात याद रखें कई बार ग़लत फहमियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं गलत फ़हमियाँ पैदा हो जाती क्यों होती हैं एक वजह तो ये कि ताल्लुक़ की कमी मैं आपसे नहीं मिलता आप मुझसे नहीं मिलते कभी मैं ये समझ कर के आप मुझे जानते नहीं गुज़र गया आपने ये कहा देखो मुझे सलाम किए बगैर गुजर गए आपके दिल में ग़लत फहमी ने जगह बना ली आपने गैर मुस्लिम को अपने घर में खाना बनवाया लेकिन अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को यह कर नहीं दिया पता नहीं हमारे घर का खाना कबूल करेगा कि नहीं करेगा उसके दिल में शैतान यह बात डाल देगा पैदा हो जाएगी गलतफहमी देखो इतना बड़ा प्रोग्राम लेकिन हम पड़ोस होकर हमें पूछ कर नहीं देखा गलतफहमियां ताल्लुकात की कमी की वजह से पैदा होती हैं यह खुद खुद पैदा होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप मुझसे कभी नहीं मिलते मुझसे ताल्लुकात नहीं लेकिन मेरे बारे में आप गैरों से बहुत ज़्यादा सुनती हैं आप मेरे बारे में गैरों से सुनते हैं और गैर मेरा भला चाहने वाला भी हो सकता है मेरा बुरा चाहने वाला भी हो सकता है मुझसे इतफाक़ रखने वाला भी हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ़ रखने वाला भी हो सकता है और वो तो उसके हाथ मौका है सुनहरा मौका है कि आपको मेरे बारे में बदजन कर दे बदगुमान कर दे आपके दिल में गलत फहमी बिठा दे इसीलिए कई बार ये ताल्लुक़ात की कमी के नतीजे में लोगों की सुनी सुनाई बातें ज़्यादा असर दिखा देती इस वजह से भी ग़लत फहमी पैदा हो जाती है मैंने कभी पढ़ा था आपने भी सुना होगा कि एक होटल वाले ने बड़ी हमत की बात लिखी बड़ी हमत की बात लिखी कहा हमारे होटल का खाना खाने के बाद अगर खाने में कोई खा, खराबी हो खामी हो तो हमसे बताइए खूबी हो तो जाके बाहर तारीफ कीजिए आज ये बात आप समझे ताल्लुकात अगर बने रहें आपकी पहुंच मुझ तक मेरी पहुंच आप तक ये गैर मुस्लिम की मुसलमानों तक पहुंच रहे तो फिर क्या होगा उसको मौका मिलेगा वो पूछ लेगा आपको ये तजरबे की बात मैदान की रोशनी में आपको बता रहा हूँ अगर किसी के जहन में गलत फहमियाँ हो ना सिर्फ आप ताल्लुकात कायम कीजिए वो खुद ब खुद अपनी ग़लत फ़हमियाँ आपके सामने रखने के लिए तैयार हो जाएगा ये ताल्लुक़ ये ग़लत फहमियाँ और कई बार शैतान अपना किरदार अदा करता है शैतान तो चाहता ही ये है ना कि ये लोग इस्लाम से दूर हो जाए मुसलमानों से दूर हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ख़ुद ब खुद गलत फहमियाँ पाल लेते हैं हमने मैदान में देखा सुना कई बार एक बार दो बार नहीं और हो सकता आप में से बहुत सारे लोगों को भी इसका तजर्बा हुआ हो कि मैदान में जब आप गैर मुस्लिम से मुलाकात करते हैं तो कई बार एक एतराज़ ये भी होता है कि आप लोग पाँच मरतबा दिन में अकबर बादशाह अकबर मुग़ल हुक्मरान अकबर का नाम लेकर हमें चिढ़ाते हैं दिन में पांच मरतबा मस्जिदों से अकबर का नाम लेकर हमें चिढ़ाते, हैं आप हमारे जज्बात को भड़काते कि आपने या आपके सुकुमरान ने हमें दबा के रखा था पूछा गया क्या है तो कहते हैं अल्लाह अकबर या आप कहते हैं रोजाना पांच मरतबा अकबर की बड़ाई आप बयान करते हैं गलत फहमी उनको पता नहीं है कि अकबर कौन है और लाहु अकबर में हम किसकी तारीफ़ में अकबर कह रहे हैं ये गलत फ़हमी की एक मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ आप यकीन करें ऐसी बेशुमार गलत फ़हमियाँ जो यहाँ के गैर मुस्लिमों के दिलो दिमाग के अंदर पाई जाती हैं एक तो ये है कि गलत फहमियाँ किसी भी वजह से पैदा हो जाती हैं और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि गलत फहमियाँ बाकायदा पैदा की जाती ग़लत फहमियाँ बाकायदा पैदा की जाती हैं मुझे मालूम है कि कोई आदमी आप तक पहुंचेगा या आपको मालूम है कोई आदमी मुझ तक पहुंचेगा उसे यह दावत भी समझ में आएगी ये पैगाम भी समझ में आएगा मुझे उस आदमी को आप तक पहुंचने से रोकना है या आपको उस आदमी को मुझ तक पहुंचने से रोकना है तो आप एक तरीका अपनाते हैं कि किसी तरह मुझ तक पहुंचने से उसे रोकने के लिए मेरे बारे में उसके जहन को बिगाड़ दिया जाए यह हरबा अम्बी आली मुसलात वसलाम के साथ उनकी कौमों ने ज़मान कदीम से अपनायान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह यही बात बयान फरमाई कहा साहर मजनून के ऐसा ही हुआ है कि जब भी कोई रसूल अल्लाह त पैगाम लेकर पहुँचे इन ालिमों ने यही कहा यह जादूगर है और यह कहा कि ये पागल आदमी है आपको पता है नबी नबीलातम की ज़िंदगी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया मजनून कहा गया शायर कहा गया घरों में तफरका डालने वाला कहा गया उनके खुदाओं को बुरा भला गाली देने वाले कहा गया क्या कुछ अल्लाह के नबी के बारे में नहीं कहा गया आपने सुना होगा तुफैल बिन अम्र दौसी कबीले दौस के सरदार आदमी थे मक्का आए तो मक्के वालों ने अल्लाह के नबी के पास पहुंचने से पहले इस कदर ज्यादा उनके कान भरने की कोशिश की कि उन्होंने तय कर लिया पहले मरहले में कि नहीं कुछ भी होगा मक्के में रहते हुए मोहम्मद से सामना नहीं होगा मोहम्मद की बात नहीं सुनूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन क्या हुआ अल्लाह ने उनको हिदायत दी उनके दिल में यह बात डाली अल्लाह ने कि मैं भी शायर हूं मैं फर्क कर सकता हूँ गए उन्होंने अबला के नबी की बात सुनी तो उन्हें अल्लाह के नबी की दावत की सच्चाई और जादूगरों की जादूगरी शायरों की शायरी और मजनून के पागलपन का फर्क उनको समझ में आ गया इस्लाम ले आए भाइयों कई बार ऐसा होता है कि गलत फहमियां जान बूझ कर पैदा की जाती हैं और इसी के नतीजे में होता यह है कि आपकी जो दावत जिसमें मुझसे पहले आपने सुना इस्लाम तमाम दुनिया के लिए राहमत है इस राहमत वाले इस्लाम को लोगों ने दुनिया के लिए जहमत बना के पेश किया हो आज आप जानते हैं इस्लाम का नाम आता है तो दहशत गर्दी का लकब उस पर चस्पा मुसलमानों का तस्कर आता है तो दहशत गर्द का ना लकब उनके साथ चस्पा ये इसी गलत फहमियों वाले मिशन का हिस्सा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर कर और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे अपनों की बाज गलतियों की वजह से ये गलत फहमी पाई जाती है कि इस्लाम की तलीमत में नाहक जुल्म है जियादती है हकीकत क्या है इससे कत नजर लेकिन मैदान की यह सच्चाई है कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ये गलत फहमी पाई जाती मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा आप अगर मैदान दावत में उतरें आप कभी किसी गैर मुस्लिम से बात करें अगर वो समझदार होगा ना तो वो आपके सामने आपकी बात एक सुनेगा दस एतराजात अपने करेगा और आप उसके एतराज के पीछे देखें यही गलत फहमियाँ इन्हीं गलत फहमियों के नतीजे में आदमी हमेशा लोगों को बदनाम करता फिरेगा इस्लाम को बदनाम करता फिरेगा भाइयों इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए लोगों ने मिशन के तौर पर काम किया और उसके पीछे कई इसबाब एक तरफ तो आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक फिक्र है एक सोच है जिनका यह मानना है एक नाहक मानना है हम ये मानते हैं कि यह नाहक है ये जुल्म है ये जुल्म है गलत फहमी है लेकिन उनका मानना यह है कि मुसलमानों ने अपने ओ को हुकूमत में यहाँ लोगों का कत्ल आम किया ब्राह्मणों को कत्ल किया फुला किया इतनी ज़्यादा गलत ख़बरें अब उनको लगता है कि उनके गलबे का दौर आ रहा है अब उस पूरी तारीख के सियासी इंतकाम का मौका हाथ आ रहा है और उसके लिए वो क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान जहाँ भी हो मुसलमान जहाँ भी हो वो एक बार इज़्ज़त शहरी की तरह न देखा जाए उसे कम्युनिटी में जगह ना मिले अगर सोसाइटी बनती है रहाइशी कोई तो वहाँ किसी मुसलमान को रहने ना दिया जाए मुसलमान गंदे रहते हैं मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होते मुसलमान मुल्क के लिए बोझ हैं मुसलमान मुल्क के काम नहीं आते मुसलमान वफादार नहीं होते मुख्तसर ये कि इस्लाम और मुसलमानों को इस कदर से ज़्यादा बदनाम किया जाए कि उनसे सियासी जो तारीखी दौर में जो कुछ उनके अपने मुताबिक ऊन पर हुए हैं उसके बदला लेने का मौका हाथ आए इस मकसद के तहत काम करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है अल्लाह के बंदो आप जानते हैं इस बात को कि इस अंदाज पर काम करने वाले लोग भी मौजूद दूसरी वजह गलत फहमियों के पैदा होने की ये भी है कि यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया फोबिया का एक माहौल है फोबिया कहते हैं ग़ैर हकीकी खौफ वाक़्य से मुताबकत ना रखता हो यानी ऐसा खौफ जिसकी कोई हकीक़त ना हो लेकिन आदमी को फिर भी किसी चीज़ का खौफ इस्लाम दीन रहमत है इस्लाम की पूरी तारीख़ पढ़ने वाले ये बात गवाही दे सकते हैं और दिए मुसलमानों से के साथ साथ गैर मुस्लिमों ने दी है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने दिलो दिमाग के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो खौफ बिठा रखा है फोबिया जो उन्होंने पाल रखा है इस्लाम के बारे में उसका असर ये है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर भी और बैन अवी सतह पर भी आपको पता चलेगा कि तालीम का नाम आए कोई भी बात आए लोग फौरन ये मानने लगते हैं कि ये बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बैन अवी और मुल्क की सतह पर इस्लामोफोबिया का एक माहौल पैदा किया गया है और तीसरी एक बड़ी वजह और बड़ी वाज वजह है भाइयों। इस मुल्क की ये भी सच्चाई है कि यहाँ हुकूमत करने वाले जो सियासी पार्टियाँ हैं हर सियासी पार्टी अपने मफादात हर ज़माने में हर पार्टी करती है मौजूदा दौर में गैर मुस्लिमों को हिंदुत्वा के नाम पे इकट्ठा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाने का एक रिवाज है इस मुल्क के अंदर कतः नज़र इससे कि वो कितने कामयाब हैं कहाँ हैं कहा है। लेकिन इसके नतीजे में भी ये हो रहा है कि मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों को आम करने का मौका दिया जा रहा है आम की जा रही हैं गलत फहमियाँ और आम करने का ये जो तरीका है कहाँ कहाँ हो रहा है आपको मालूम है पुराना ज़माना था ज़्यादातर इस्लाम मज़हब के बारे में या इस्लामी तलीमत के बारे में ग़लत फ़हमियाँ पैदा की जाती थीं तलाक़ पे एतराज़ होता था तीन शादी या चार शादियों पे एतराज़ होता था या इस्लामी शरीयत में वरासत में बच्ची को हक़ नहीं दिया जाता इस पे एतराज़ होता था इस्लामी तालीमा पे एतराज़ होता था पहले लेकिन आप अगर देखें माजी करीब की तारीख में अब ज़रा इस्लामी तलीमत पे एतराज़ कम है या हल्का है या पुराने एतराज़ दोहराए जा रहे हैं अब ज़्यादा फ़ोकस इस्लामी तहजीब और तारीख पर रखा जा रहा है मुस्लिम कल्चर पे बात होती है और मुस्लिम तारीख़ पे बात होती है आपने सुना होगा औरंगज़ेब के बारे में ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं हुक्मरान जो तारीख़ में गुजरे उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि एक सुनने वाला हैरान रह जाता है आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर ये फेसबुक पर जो चलती है बातें कहीं 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 सुनी बातें ऐसी ऐसी बातें बड़े हती के मैंने ये देखा कि गैर मुस्लिमों में से जो मुनसिफ़ हैं इंसाफ पसंद लोग हैं वो खुद उसका ठट्टा मजाक उड़ाते हैं कहते हैं कि कैसी कैसी बातें लोग कबूल कर लेते हैं एक लड़की को हमने सुना वो कह रही थी कि औरंगजेब रोजाना पता नहीं कि एक नंबर उसने बताया था इतने ब्राह्मणों को जब तक कत्ल नहीं करता उसका दिन खत्म नहीं होता गैर मुस्लिम ने ही उसकी तरदीद करते हुए कहा अगर तुम्हारा हिसाब ले लिया जाए उस हिसाब से उतने अपनी ज़िंदगी में कितने ब्राह्मण कत्ल किए होंगे इतनी तादाद बनती है उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की तमाम आबादी की तादाद उतनी नहीं थी जितने ब्राह्मणों को तुमने खामखा कत्ल करवा दिया या मशहूर कर दिया कि उसने कत्ल किया तो बहुत सारी बातें तारीख़ के हवाले से मुस्लिम हुक्मरानों के हवाले से गलत बयानी के ज़रिए फैलाई जाने मकसद क्या है असल मकसद वही है कि आपके बारे में आपके दीन के बारे में लोगों के जहन को खराब किया जाए आपकी जिम्मेदारी क्या आप जानते हैं मैं बात आपके सामने कहना चाहूंगा फिल्में एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करती थी आज इस्लामो फोबिया या इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियां फैलाने के लिए भी फिल्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है आप देखो अभी केरला स्टोरी फिल्म बनी उससे पहले कश्मीर फाइल्स बनी और जो उनकी हकीकत थी वो हकीकत अपनी जगह लेकिन फिल्म जब बनी तो फिल्म में फैक्ट से ज्यादा कहानियां कितनी घड़ी गई उन कहानियों का मकसद क्या था अगर आप देखेंगे पता चलेगा यही गलत फहमियां आपके बारे में पैदा करना इतना ही नहीं एक और आप देखेंगे रिवाज पुराने जमाने से ये बात है कि बहुत सारे लोग जब मिले जुले कल्चर में रहते हैं मुसलमान गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं और मिले जुले कल्चर में रहने के नतीजे में कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुसलमान मुरतद भी होते हैं जमाने कदीम से यह बात चली आ रही है लेकिन आप ये बात नोट करके देखो पिछले दस पंद्रह साल से और अगर घटा गया पिछले 5 सात साल से आप देख लें एक्स मुस्लिम के नाम पर बाकायदा यूट्यूब चैनलों पे बात होती थी यूट्यूब चैनलों से आगे बढ़ के टी चैनलों तक ये बात लाई गई एक्स मुस्लिम के नाम पे ऐसे मुर्तदों को लाया जाता है जो इस्लामी तालीमत और मुसलमानों के बारे में गलत बयानी करते मकसद क्या है इनको प्रमोट करके इनको स्टेज इस देकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों को आम करना वो चाहते हैं ये सारे काम हो रहे हैं ऐसी सूरत में भाइयों ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इस बात का ख्याल रखें ऐतराज़ मज़हब पर हो ऐतराज तहजीब पर हो ऐतराज़ तारीख़ पर हो यकीनन हमारे दरमियाँ हमारे नज़दीक फ़र्क है दीन एक बात है तहजीब एक अलग चीज़ तारीख़ अपनी जगह लेकिन आप उनके मकसद को आप देखें वो बिल आखिर चाहते एक ही हैं कमा कफरू फतकुनूना नक वो चाहते ये हैं कि आप उन्हीं जैसे हो जाएं। वो चाहते ये हैं मुल्क में मुसलमान रहे लेकिन मुसलमान मुसलमान बन के ना रहें। उनकी यही एक पॉलिसी ऐसी सूरत में ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत फहमियों के हवाले से हम पूरी तरीके से चौकन ना रहे और अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करें भाईयों पांच मिनट का लगभग वक्त रह गया या उससे कम मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हम गलत फहमियों का इजाला कैसे कर सकते हैं बड़ी तेजी से तीन चार बातें आपके सामने रखता हूँ पहला काम यह है कि ताल्लुक बेहतर करो गैर मुस्लिमों के साथ देखो इस्लामी शरीयत ने मुल्क के अंदर अलग मुल्क बनाने की बात नहीं की इस्लामी शरीयत ने आपसे जो बात कही है ताल्लुकात रखो लेकिन ताल्लुकात की नौईयत को मुतिन करने की बात की हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ मुसलमान अपने पड़ोस के गैर मुस्लिमों से ताल्लुक बेहतर कर लेंगे यकीन माने बहुत सारी गलत फहमियों का इजाला हो सकता है मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ आज फिर आपके सामने कहूँगा कि ये कितने ताज्जुब की बात है कि मेरा पड़ोसी मेरा अपना पड़ोसी उसके और मेरे घर के दरमियान सिर्फ एक दीवार है वो गैर मुस्लिम है मैं मुसलमान हूँ उसके मेरे घर के दरमियान सिर्फ एक दीवार है वो गैर मुस्लिम दूर कोई बैठा हुआ किसी टीवी चैनल पर या फिर ये कि किसी यूट्यूब चैनल पर बैठा हुआ हो सकता है एक हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हो सकता है दो हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हो और अगर कहीं मगरबी दुनिया में बैठ कर कर रहा है तो वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठ कर हमारे बारे में उसके दिमाग में गलत फहमी पैदा कर सकता है और हम एक दीवार की आड़ के साथ अपने बारे में हम सच भी नहीं बोल सकते हम अपनी सफाई भी नहीं दे सकते हमारे और आपके ताल्लुक़ के ना होने की वजह से कई बार गलत फहमियाँ आगे बढ़ती हैं पनपती हैं इस्लामी शरीय ने गैर मुस्लिमों से कुल्ली तौर पर कत ताल्लुक का हुक्म नहीं दिया बल्कि ताल्लुकात को चैनलाइज करने और ताल्लुकात को अच्छे रुख पे रखने की इस्लामी शरीयत ने तरगीब दी लाकुम फिदीन वलमुजुम्दिया इंसाफ का मामला हर गैर मुस्लिम के साथ करो बिर हुसन सलूक का मामला हर गैर मुस्लिम के साथ रखो ये कुरान का हुक्म है अल्लाह ने मना नहीं किया कि हम लोगों के साथ इंसाफ का बर्ताव करें हम लोगों के साथ हुसन सलूक के साथ पेश आए अल्लाह ने हमें इस बात से मना नहीं किया है इस्लामी शरीय की तालीमत गैर मुस्लिमों से तल्लु के हवाले से आप पढ़ें और दो रोज़ा प्रोग्राम में एक अनवान मैंने देखा है गैर मुस्लिमों से तल्लु के हवाले से भी आएगा आप वो भी उनके अलावा दीगर ओलमा से भी सुने पढ़ें देखें देखें, मालूम करें गैर मुस्लिमों से ताल्लुक के क्या क्या रास्ते इस्लाम ने रखें इन रास्तों को अपनाएं कि यहाँ से ताल्लुक गलतफहमियों के इजाले का बहुत बड़ा दरवाजा दूसरी बात आपके सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि भाइयों हम और आप अगर गलत फहमियों का इजाला करना चाहते हैं उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जिस चीज के बारे में आदमी गलत फहमी का शिकार है उसका सही तारुफ करवा दें इस्लाम के बारे में गलत फहमी है इस्लाम का सही तारुफ करवा दें मेरे बारे में गलत है मेरा सही तारुफ आप करवा दें आपके बारे में गलत फहमी का शिकार आपका तारुफ करवा दें गलत फहमी के इजाले के लिए आप जवाब देते जवाब देते जवाब देते थक जाएंगे शायद उतना मुअसर नहीं होगा जिस कदर ज़्यादा मुअसर उसलूब ये होगा कि आप सीधे सादे अंदाज में सही तारुफ पेश कर दें मेरा जतीी तजर्बा मैं आपके सामने रखता हूँ कि गैर मुस्लिम ला पड़ रहा था और उसने कहा मैं मोहम्मद अल्लाह पढ़ रहा हूँ यानी वो ला पढ़ रहा है और ला में शरीय का जो हमारी इस्लामी शरीय का जो क़ानून हिंदुस्तानी कोर्ट में चला या चलता है जिस कहते है, वो पढ़ रहा था उसने मेरे सामने तलाक़ पे बड़े लंबे छोड़े एतराज़ किया मैंने लंबी बात नहीं की सिर्फ उसके सामने शरीय में तलाक़ देने का सही तरीक़ा क्या है और उसमें जो वक़े हैं उन वक्फ़ों के पीछे हकमत एक क्या सिर्फ ता सही तारफ़ तलाक़ का रख दिया उसने कहा मेरे सारे इज़ाले मेरे सारे शुभात का इजाला आपने कर दिया भाइयों तरीका यह है कि जिस मसले पे एतराज़ हो रहा है गलत फहमी आम की जा रही उसका सही तारुफ करवा दो आप मैंने कहा औरंगजेब की बात औरंगज़ेब का सही तारुफ लोगों के सामने रखो जिसके बारे में बात होती है आपके बारे में कहा जा रहा है आप अपना सही तारुफ सामने रखो आपकी मस्जिदों के बारे में कहा जा जाता है कि यहाँ ऐसी वैसी तालीम दी जाती बताओ मस्जिदों में क्या होता है मस्जिदों में क्या हम करते हैं क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ते हैं बताओ सही तारुफ करवा दो सही तारुफ से ज़्यादा मौसर उसलूब गलत फहमियों के इज़ाले के लिए कोई और नहीं है भाइयों इस पर मेहनत करें और तीसरी बात आपके सामने मैं ये कहना चाहूँगा देखिए गलत फहमियाँ चाहे लोग जितनी फैलाएं आम तौर पर बुनियादी गलत फहमियाँ चंद होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं पंद्रह बीस पच्चीस गलत फहमियाँ बुनियादी होती हैं जो अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में बिठाई गई होती हैं तरीक़ा ये होना चाहिए कि हम कुछ मंतखब शुभात को एतराज को लें उन पर तहकी के साथ जवाब तैयार करें और फिर उनके जवाब मजबूत अंदाज से अच्छे उसलूब में हर जबान में हर इलाके में तैयार करके पेश करें मुझे बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने दें मुझे अफसोस है इस बात का ये मशवरा मैंने कई बार रखा लेकिन आज तक शर्मिंदे ताबीर ना हो सका कि चंद मंतब ए का जवाब मुख्तलिफ जबानों में तैयार करके आप यूट्यूब पर डाल के छोड़ दें या आप फैला दें वो फैलता चला जाएगा इस सवाल का वो जवाब जहां एतराज़ हुआ शुबह फैलाया गया उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप वीडियो डाल दें तरीक़े हज़ार हैं आप लोग जानते हैं काउंटर करने के तरीके आप दे, दे जवाब दें ना गलत फहमी का इजाला करें दूसरा तरीका ये कि जिस तरह चंद मसाइल को मंतखब करते हैं ऐसे ही शुभहत फैलाने वाले भी कुछ खास लोग हैं कुछ खास अफराध हैं जो इस मिशन पे लगे हुए ऐसे अफ़रात का इंतख्या करें देखें कौन है पंद्रह हैं बीस हैं, दस हैं आपकी जबान में हो सकता है चार छे निकले किसी और जबान में चार छे निकले आप अपनी अपनी जगह पे अब उस आदमी ने सौ शुभात फैलाए होंगे आप उनमें से चंद का इंतख्य कर लीजिए और उसके बाद ऐसे ज़ोरदार रद्द कीजिए कि उसकी सकाहत मुतजल हो जाए उसका एतबार लोगों में ख़त्म हो जाए लोग ये समझ जाएँ कि ये आदमी बनता बड़ा काबिल है लेकिन हकीकत में लोगों को मिस गाइड करता है लोगों को गलत राह पर लगाता है उसकी शख्सियत का जो एतबार लोगों के नज़रों में बना हुआ उसका ख़ातिमा करें यकीन माने बकिया शुभात का अक्सर खुद बखुद घटने लगेगा और तीसरी बात ये भी कि जिस शख्स का इंतबाब करते हैं उसके भी पूरे शुभहत का जवाब देने की ज़रूरत नहीं चंद मुंतब शुभात का भी अगर आप जवाब दे लें उसकी पैदा करदा गलत फहमियों का इजाला कर दें यकीन माने एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे हाथ आएगी मैंने जैसे कहा आज की हमारी ये मजलिस तफसीली प्रोग्राम की नहीं अफ्ताही नशस्त लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि ये जो ग़लत फहमियाँ पैदा होती हैं सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है कई बार एक आदमी अपने दिमाग में आपके बारे में राय गलत रखता हो आपकी सही बात भी वो सही ढंग से नहीं समझ पाता आप एक मरतबा उसके जहन को साफ कर देंगे आपकी बात सही अंदाज से वो समझ भी पाएगा अहले इल्म इस बात को कहा करते हैं कि तरबियत में यही होता है पहले तखलिया होना चाहिए फिर तहलिया यानी बंदे को पहले अंदर से खाली करो पाक करो साफ़ करो उसके बाद उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो भरने की कोशिश करो लहबूदा ने बातिला को दिलो, दिलो दिमाग से ईमान और अकीदे से निकालो फिर अल्लाह की तौहीद उनके दिमाग में बैठाओ दावत का ये तरीक़ा होना चाहिए कि ग़लत फ़हमियों का इजाला हो और उसके साथ सही ही तालीमत की तबलीग और तालीम भी होती रहे मैं अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक को ताली से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे आप सभी हजरात और ख़ातन को इन बातों को जहन में रखकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की तोहफी अता फरमाएर में जमीत बलारी और उसके साथ साथ पीपीसी के जो जिम्मेदार भाई हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यह मदू करके मुझे मौका दिया कि मुख्तसर वक्त में सही कुछ जरूरी बातें आपके सामने रखू मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नेक मकासद में आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आप में से जो भी भाई जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उस सबको कबूल फरमाए अमीन व आखिर